नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। बीजेपी और शिवसेना दोनों की विचारधारा एक है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर कई विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन बाल ठाकरे के निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे के पास आई, तो पहली बार शिवसेना ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में हिम्मत दिखाई और बीजेपी से अलग होकर चुनाव में उतरी, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला। फिर आखिरकार शिवसेना को बीजेपी के साथ ही मिलकर सरकार बनानी पड़ी, लेकिन लगता है साल 2014 के नतीजों से शिवसेना ने सबक नहीं सीखा और एक बार फिर बीजेपी से अलग हो गई। इस बार भी उसे बीजेपी से अलग होना भारी पड़ रहा है। राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन 170 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाली शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस ने समर्थन ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो सरकार नहीं बना सकी। शिवसेना के लिए ये बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि जिसके दम पर बीजेपी से वो अलग हुई उसने ही हाथ पीछे खींच लिया। शायद यही वजह है कि शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे बीजेपी के खिलाफ नरम पड़ने लगे, इसीलिए फिर से वो बीजेपी के साथ जाने का ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं। दरअसल मंगलवार को जब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। इसी दौरान एक पत्रकार ने सवाल दाग दिया कि क्या बीजेपी का ऑप्शन पूरी तरह खत्म हो गया है। इस सवाल पर उद्धव ठाकरे झुंझला गए और कहा कि आपको क्यों इतनी जल्दबाजी है, राजनीति है, 6 महीने दिए हैं ना राज्यपाल ने। बीजेपी का ऑप्शन मैंने नहीं खत्म किया है, ये खुद बीजेपी ने खत्म किया है। खत्म हो चुका है, बीजेपी का ऑप्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपको क्यों इतनी जल्दबाजी है, राजनीति है, 6 महीने दिए है ना माननीय राज्यपाल महोदय जी ने। और एक मिनट, बीजेपीचा ऑप्शन मी ने खत्म केलेला आहे, ये बीजेपी ने किया है। मैंने तो पहले लोकसभा के पहले भी मैं आलेख जान रहा था, बीजेपी सामने से आई, मैंने भी उनके भावना का आदर किया, सम्मान किया, और तब पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा 200-210-220 सीटें आएगी, और उस अंधेरे में मैं उनके साथ गया था, उस अंधेरे में मैं उनके साथ गया था। तो बीजेपी ने मेरे साथ आने का या जो युति थी वो ऑप्शन उन्होंने खत्म हुआ होगा तो उन्होंने खत्म किया है। जो बात उस वक्त तय हुई थी अमल करो, यही मेरी मांग थी। लेकिन परसों के दिन जैसे मैंने कहा कि चंद्रकांत दादाजी ने कहा कि वो तो सरकार नहीं बनाना चाहते और हमें शुभकामनाएं दी थी आघाड़ी के साथ जाने के लिए, तो उनकी भावना का आदर करना चाहिए। इधर शिवसेना बीजेपी का ऑप्शन खुला रखना चाहती है, तो उधर बीजेपी सांसद नारायण राणे ने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर शिवसेना को उल्लू बना रहे हैं। कांग्रेस संस्कृती चांगली माहित झालेली आहे, पण आता ज्या पद्धतीने बैठकांचं चर्चेचं सत्र सुरू झालेलं आहे, आपण त्याबद्दल काय प्रतिक्रिया द्याल, कारण कालपर्यंत शिवसेनेला काही सत्ता स्थापन करता आली नाही। अहो, त्या बैठकांमध्ये निर्णय होत आहेत का? निर्णय होत नाही याचाच अर्थ शिवसेनेला उल्लू बनवायचं काम चाललेलं आहे, दुसरं काही नाही। त्यांना ओळखलं पाहिजे, एवढ्या वर्ष राजकारण केल्यानंतर एक काँग्रेसचे नेते कसे असतील, समोर येऊन काय बोलतात, पाठीमागे काय बोलतात, प्रेसला काय सांगतात, याचा अभ्यास करायला पाहिजे ना। नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बयानों पर पत्रकार अनुराग मुस्कान ने ट्वीट किया, उद्धव ठाकरे, बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता टूटा होगा तो वो बीजेपी ने तोड़ा है, हमने नहीं। बीजेपी सांसद नारायण राणे, कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को उल्लू बना रही है। दोनों के बयानों पर गौर करने के बाद तो यही लग रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी और शिवसेना की ही बनेगी। अनुराग मुस्कान के ट्वीट पर ट्विटर यूजर रामनिवास ने लिखा, मैं तो कहता हूं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी हटाकर एक दरी बिछा दो, सब बैठेंगे। चुनावी नतीजों के आने के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी खींचतान जारी है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलकर सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन बात नहीं बन पा रही। गवर्नर की ओर से पहले शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन दोनों में से कोई भी सरकार नहीं बना सका, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। हालांकि अभी भी ये तीनों पार्टियां आपसी सहमति बनाने में जुटी हुई। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में कब तक सरकार गठन होता है। वैसे महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी और शिवसेना को फिर से एकजुट होकर सरकार बनानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आणि भेटल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सत्ता स्थापनेसाठी आपण प्रयत्न करूया असं मला सांगितलं,
आम्ही आता सत्ता स्थापन करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष प्रयत्नशील राहणार आहे। मला अशी आशा आहे की लवकरात लवकर भाजप सत्ता स्थापन करेल। ही काय माहिती द्यायला मला बरोबर वाटत नाही, अशी माहिती द्यावी म्हणजे येणारे आमदारही थांबतील तुमच्या दाखवण्याने। मला मी एवढंच सांगेन की मी ज्या अर्थी सांगितलं की सत्ता स्थापन करायला भारतीय जनता पक्षाला सर्वतोपरी मी मदत सहकार्य करेन आणि ते माझं कर्तव्य त्या पक्षाचा एक सदस्य असल्याने आहे। सत्ता स्थापन तर 145च लागतात आणि आम्ही बीजेपी जेव्हा गव्हर्नरकडे जाईल 185 आधी घेऊन जाईल, खाली येत जाऊन बसणार नाही। सहकार्य करूंगा, मदत काय का, मैं पार्टी में हूँ, मैं बोला सदस्य हूँ, मदत काय की। लेकिन क्या शिवसेना के विधायकों को आप यहाँ पे लाएंगे या फिर किसी तरह? वो क्यों आपको बोलूं, मैं सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे। बीजेपी ने शिवसेना के विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री जबाबदारी ती सांगायची नसते, पार पडल्यावर सांगायची असते। मुख्यमंत्री म्हणतात आम्ही तोडफोड राजकारण करत नाही। नारायण राणे यांच्याच खांद्यावर का सोपवलेली आहे, त्याच्यामागची कारण काय वाटतं तुम्हाला? त्याच्यामागची कारण मला माहित नाही, ती तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना विचारा ना, मलाच काय विचारता। मुख्यमंत्री शिवसेनेला स्पष्ट जनादेश असताना सुद्धा राष्ट्रपती राजवट करते, कसं तुम्ही बघता या गोष्टीकडे? मी सांगितलं त्याला जबाबदार तेच आहे ना। अहो निवडणुकीपूर्वी युती झालेली आहे, 160च्या पेक्षा जास्त जागा निवडून आल्या, असं असताना वेगळा विचार येणं हे चुकीचं आहे, हे नैतिकतेला धरून नाही आहे। सत्तेचा लोभ आहे त्याच्यामध्ये, नैतिकता याच्यानंतर बर तो शब्द लहान पडतो तुमचा। मालूम नाही आहे, उसके बारे मेरी कोई चर्चा नाही हुई। उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि अपने को सत्ता स्थापन करना है, इसके काम पे लग जाओ। सर जिस पार्टी में जिस दल में जाते हैं सत्ता वहीं गिरती है, आती है। तुम्हाला चांगली माहिती झालेली आहे, पण आता ज्या पद्धतीने बैठकांचं चर्चेचं सत्र सुरू झालेलं आहे, आपण त्याबद्दल काय प्रतिक्रिया द्याल? कारण कालपर्यंत शिवसेनेला काही सत्ता स्थापन करता आली नाही। अहो त्या बैठकामध्ये निर्णय होत आहेत का? निर्णय होत नाही याचाच अर्थ शिवसेनेला उल्लू बनवायचं काम चाललेलं आहे, दुसरं काही नाही। त्यानं ओळखलं पाहिजे एवढ्या वर्ष राजकारण केल्यानंतर हे काँग्रेसचे नेते कसे असतील, समोर येऊन काय बोलतात, पाठीमागे काय बोलतात, प्रेसला काय सांगतात, याचा अभ्यास करायला पाहिजे ना। माननीय नारायण राणे साहेबांनी जे मत व्यक्त केलं ते त्यांचं व्यक्तिगत मत आहे, कोअर टीममध्ये कुठेही चर्चा झाली नाही। कोअर टीमचा निष्कर्ष बदलत्या राजकीय परिस्थितीवर वेट अँड वॉच आणि योग्य क्षणी योग्य निर्णय। पण आत्ता आमचा पहिला निर्णय की शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आम्ही पूर्णपणे। महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करण्याची जी संधी मिळाली, पारदर्शी प्रामाणिकतेतून महाराष्ट्राचं सरकार आम्ही चालवलं, महाराष्ट्राला सर्व आघाड्यांवर पुढे नेण्याचं काम आम्ही केलं। महाराष्ट्रामध्ये आलेल्या वेगवेगळ्या संकटांचा सामना अत्यंत समर्थपणे केला, विशेषतः गेल्या 5 वर्षांमधली 4 वर्ष ही दुष्काळाची, हे वर्ष अतिवृष्टीचं, आणि त्यामुळे सातत्याने शेतकऱ्यांसमोर जी संकटं आली त्या त्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचं काम हे राज्य सरकारने केलं। एवढंच नव्हे तर जलयुक्त शिवार सारखी योजना असेल की जी महाराष्ट्रातली लोकसहभागाची सर्वात मोठी योजना म्हणून ज्या योजनेकडे आपण पाहतो ती यशस्वीपणे लोकांच्या मदतीतून राबवण्याची संधी आम्हाला मिळाली।
महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना असेल, राष्ट्रीय महामार्ग असतील, मेट्रोची कामं असतील, एअरपोर्टची कामं असतील, रेल्वेची कामं असतील, एक प्रचंड मोठं काम हे या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही उभं करू शकलो।